नाम है जी आपका? मेरा नाम श्वेता चोपड़ा है। श्वेता जी कहाँ से आए हैं आप? मैं होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट से आई हूँ, वहाँ पे महलपुर एक जगह का नाम है, वहाँ पे रहती हूँ, पंजाब में। संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े आप? संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़े हुए मुझे 2 साल हो गए हैं। मैंने गुरु जी का नाम, संत रामपाल जी का नाम जो है वो 3 जनवरी 2015 में लिया था। ये अपने आप में एक आश्चर्यजनक बात है कि 2014 से संत रामपाल जी महाराज जेल में हैं। ऐसा कैसे संभव हो पाया कि एक संत जेल में है और उनसे आपने नाम दीक्षा ली? क्या कारण रहा कि आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली? मैं पहले तो ये बताना चाहूँगी कि मैं काफ़ी दुखी रहा करती थी, तो मुझे शुरू से परमात्मा की तलाश थी, जिससे पहले मैंने शिव जी की भक्ति बहुत की है। तो उसके बाद क्या हुआ, मैं अपनी बहन के पास हमेशा ये जिक्र किया करती थी कि ऐसा क्या करें कि जिससे हमारे सभी दुख दूर हो जाएं। तो उसने मुझे बोला कि तू ज्ञानगंगा पुस्तक ले ले, उसको तू पढ़ेगी तो तेरे मतलब उसने नामदान ले लिया था तो तू पढ़ेगी तो तेरे सब दुख दूर हो जाएंगे। वो बुक मेरे पास अप्रॉक्सीमेटली 1 साल तक पड़ी रही, पर मैंने उस बुक को नहीं पढ़ा। उसके बाद क्या हुआ, मेरे पे तकलीफ़ें बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। फिर मैंने जब उस बुक को पढ़ा तो बुक को पढ़ने से ही मेरे आधे प्रॉब्लम तो ख़त्म हो चुकी थी। फिर उसके बाद जब मैं अपनी बहन से पूछा कि ज्ञान क्या होता है, वो मुझे बोलती थी तू ज्ञान को समझ। मैं उसको यही बोलती थी कि ज्ञान होता क्या है, मुझे इसके बारे में बता। जब धीरे धीरे उसने मुझे ज्ञान समझाना शुरू किया तो मुझे पता लगा कि कुछ बात तो है। तो फिर मैंने को लगा, फिर मैंने गुरुजी के सत्संग भी देखे, तो संत रामपाल जी महाराज जी की एक एक बात जो है वेदों में जो लिखी हुई है उसकी एक एक बात की सच्चाई को जान के मैं अंदर से मुझे इच्छा हुई कि मैं नामदान ले लूँ। तो मैं अपनी बहन को बोला कि मुझे नामदान लेना है, तो फिर उसके बाद मैंने नामदान ले लिया। श्वेता जी देखिए, अमूमन हम देखते हैं कि किसी संत के ऊपर आरोप लगते हैं या फिर वो जेल में जाते हैं तो उसके जो श्रद्धालु होते हैं वही नाम छोड़ देते हैं, लेकिन संत रामपाल जी महाराज के मामले में स्थिति बिल्कुल उल्टी हुई है। क्योंकि जब से संत रामपाल जी महाराज जी जेल में गए हैं उसके बावजूद लाखों लोग संत रामपाल जी महाराज से जुड़ रहे हैं, उनमें से आप भी एक श्रद्धालु हैं। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आखिर संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के पीछे मेन जो वजह है लोगों की वो क्या है? ऐसी कौन सी बातें वो ज्ञान गंगा पुस्तक में लिखी हुई है जिससे आप प्रभावित हुए और आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी, उसमें ज्ञान गंगा एक ऐसी बुक है जिसमें हर वेद और प्रमाण जो है जिनको खोल खोल के लिखा हुआ है गुरुजी ने। और मुझे तो वेद प्रमाण की बातों के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी, ना ही हमारी फैमिली में से पीछे से कोई जुड़ा हुआ था। सबसे पहले मेरी मासी जी हैं जो US में रहती हैं, उन्होंने नाम लिया था। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, जो बुक्स थी, जब मैंने ज्ञान समझा कि एक एक बुक में एक एक चीज़ जो है जो गुरुजी ने लिखी हुई है, मेरा भी सबसे पहले यही क्वेश्चन होता था कि वो तो जेल में गए हुए हैं तो वो कैसे सही बात कर सकते हैं। पर धीरे धीरे जब मैंने बाकियों के साथ कंपैरिजन करना शुरू किया तो मुझे ये लगा कि जो गुरुजी ने बातें कही हैं वो एक एक सच है और उसमें से 0.1% बात भी झूठ नहीं है। तो ये चीज़ जो थी वो मुझे गुरुजी की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती थी, जिसकी दया से मैंने आज गुरुजी का नाम ले लिया है। श्वेता जी क्या करते हैं आप? मैं नर्सिंग कॉलेज में पढ़ाती हूँ, मैंने BSc नर्सिंग की हुई है। श्वेता जी आप एक शिक्षित महिला हैं, क्या आप ये मानते हैं कि किसी संत से नाम दीक्षा लेने से या किसी संत के आशीर्वाद देने मात्र से किसी व्यक्ति की समस्याएं खत्म हो सकती है, किसी के दुख दूर हो सकते हैं? सबसे पहले मैं आपको ये बात बताना चाहूँगी कि मेरा बेटा है जो वो इस टाइम 4 साल का है, उसको सबसे पहले तो मैंने जब नाम लिया मैंने उसको सही तरीके से फॉलो नहीं किया। मेरे बेटे को ESR, मेरे बेटे का ब्लड टेस्ट में जो है वो TB में होता है कि वो एक बीमारी है जो छाती की बीमारी है, उसमें उसकी रिपोर्ट में हाई आ गए थे काफ़ी। तो मुझे शायद लग रहा था कि मैंने नाम अपना खराब किया है, खंड किया है, तो उसके कारण मुझे प्रॉब्लम आई है। वो रिपोर्ट इतनी सॉलिड थी कि उस डॉक्टर लाल पैथ लैब की रिपोर्ट थी, उसको कोई नकार नहीं सकता। उसके बाद क्या हुआ, मैंने अपने मन में ही गुरुजी से माफ़ी मांगी कि गुरुजी अगर मैंने नाम खंड किया है तो मैं आगे से ये गलती नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे इतने सुख मिलने लग गए थे नाम लेने के बाद, शायद मैं भूल गई थी कि मैं मर्यादा में भी रहूंगी। जब जैसे ही मैंने गुरुजी से माफ़ी मांगी, संत रामपाल जी से माफ़ी मांगी, तो वैसे ही मैंने कहा कि अपने हस्बैंड को कि प्लीज़ मैंने एक बार रिपोर्ट फिर करवानी है, मुझे अपने मालिक पर पूरा भरोसा था। जैसे ही मैंने वो रिपोर्ट करवाई तो मेरे बेटे की 2 जगह से रिपोर्ट जो थी वो बिल्कुल नॉर्मल आई। पहला लाभ तो मुझे ये हुआ। दूसरा लाभ ये था कि एक मेरा पेपर था, लाइक IELTS का पेपर था, वो शायद मैंने 5-6 बार दे दिया था। तो सबसे बड़ी गलती मैं ये करती थी, मैंने गुरुजी को प्रार्थना नहीं लगाई थी, पर ये मुझे विश्वास था कि शायद अपने आप पे कॉन्फिडेंस होता है कि नहीं मैं क्लियर कर लूँगी, क्लियर कर लूँगी।
पर क्या हुआ कि मैंने फिर एक बार प्रार्थना लगाई, जब मेरा क्लियर ही नहीं हो रहा था पेपर, तो गुरुजी ने मुझे कहा कि आप मतलब जो जो गुरुजी ने मुझे जवाब दिया फिर मैंने उसको फॉलो किया। उसको फॉलो करने के बाद आज मेरा इतना अच्छा रिजल्ट है जो मैं बता भी नहीं सकती। तीसरा लाभ मेरा ये है कि जो मेरे हस्बैंड हैं वो तो कभी भी ना, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि वो नाम भी ले लेंगे। उन्होंने लाइक बैड सोसाइटी में हो गए थे वो, और काफ़ी गंदा नशा करने लग गए थे वो। तो उसके बाद मैंने उनको बोला कि शायद वो कोई प्रॉब्लम में भी सफ़र कर सकते थे, कोई भयंकर रोग भी शायद उनको लग सकता था। तो मैंने उनको बोला कि अगर मतलब मैं डरती हूँ, उनसे बोलती भी नहीं थी क्योंकि मेरे ससुराल परिवार के जो लोग हैं वो बिल्कुल भी इस रास्ते को फॉलो नहीं करते। फिर मैंने उनको बोला, मैंने कहा तुम एक बार हम गुरुजी के पास चलेंगे तो शायद ये सभी प्रॉब्लम ठीक हो सकती है। तो वो भी इतने ज़्यादा दुखों में घिरे हुए थे कि उन्होंने एक बार भी मना नहीं किया। और संत रामपाल जी की महाराज जी की ऐसी दया हुई कि मेरे बेटे ने भी नाम ले लिया और मेरे हस्बैंड ने भी ले लिया। जैसे कि आपने बताया कि आपके जो पति हैं वो नशा करते थे और आप बहुत ज़्यादा दुखी थे, आप सोच रहे थे कि वो अगर नाम दीक्षा ले लें तो आपके दुख दूर हो सकते हैं। कहीं ना कहीं आपको लग रहा था कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपके पति नशा छोड़ सकते हैं, तो क्या आपकी जो सोच थी वो सही साबित हुई? जी बिल्कुल, मेरे हस्बैंड ने जैसे ही नाम लिया उन्होंने बिल्कुल नशा छोड़ दिया। वो बहुत गंदा नशा था जब उन्होंने छोड़ दिया, और आज मेरे ख्याल से हमारी तो दूसरे तीसरे दिन ही लड़ाई हो जाती थी और मैं तीसरे दिन ही अपने पेरेंट्स के घर चली जाती थी। अब शायद एक साल हो चुका है, हमारी कोई लड़ाई नहीं हुई। पहली बात तो मेरे नाम लेने से हमारे घर की हालत सुधर गई, हमारी लड़ाई नहीं हुई। दूसरी बात ये हुई, अब उन्होंने सारा नशा छोड़ दिया, उस नाम में इतनी पावर है कि मतलब मैं कभी सोच नहीं सकती थी कि मेरे हस्बैंड इतने सुधर जाएंगे, जो कि हुआ। श्वेता जी, यदि आज की बात करें तो देखिए, हम किसी भी संत को संख्या के आधार पर सही या गलत नहीं ठहरा सकते। हमने ऐसा भी देखा है कि करोड़ों की संख्या में जिसके श्रद्धालु हैं और उनके ऊपर आरोप भी लगे हैं और वो सिद्ध भी हुए हैं और आज वो जेल में भी है। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आप अन्य बाबाओं को संत रामपाल जी महाराज से किस प्रकार अलग पाते हैं? अगर हम बाकी बाबाओं के पास जाएंगे, संतों के पास जाएंगे, तो वो अगर फिलहाल अगर मुझे कैंसर हो गया है तो मैं उन बाबा के पास जाके बोलूँगी कि मुझे कैंसर हो गया, मैं कैसे ठीक हो सकती हूँ। तो वो मुझे ये बोलेंगे आपका पाप कर्म है, आपके कर्मों की सजा आपको मिल रही है। तो वही प्रश्न लेके अगर मैं संत रामपाल जी महाराज के पास जाऊँगी और मैं उनसे बोलूँगी कि मुझे ये प्रॉब्लम है, तो वो एक ऐसा भक्ति मार्ग दे रहे हैं जिससे मैं बिल्कुल ठीक हो रही हूँ और वहाँ पे मुझे ये चीज़ नहीं मिल रही है। तो ये तो पक्की बात है कि अगर मुझे तो फिर वही चीज़ को अपनाना पड़ेगा, वही रास्ता मेरे लिए अच्छा है, क्योंकि ये जो भक्ति साधना है जहाँ से मुझे बीमारियों से छुटकारा मिल रहा है, मैं बिल्कुल ठीक हो रही हूँ, तो मैं बाकी बाबाओं के पास क्यों जाऊँगी, मैं सही रास्ते को फॉलो करूँगी। आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? भगत समाज को संदेश नहीं देना चाहूँगी, हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहूँगी कि जो गुरुजी हैं, जो संत रामपाल जी महाराज हैं, उनका नाम जो है वो बिल्कुल सच्चा है और उनकी एक एक बताई बात में सच्चाई है। उन बातों को आप वेदों में, प्रमाणों में देख सकते हो। जो सत्संग आता है श्रद्धा चैनल पे, साधना चैनल पे 7:40 से 8:40 तक, उसमें वो एक एक बात का प्रमाण देते हैं। तो अगर हम उनको देखेंगे तो हमें सारा कुछ सही तरीके से पता लग जाएगा और हमें सही भक्ति मार्ग मिलेगा और हमारा मोक्ष होगा। जी धन्यवाद सत साहिब।